श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ अष्टादशो अध्याय। ये गीता का अंतिम अध्याय है जिसके पूर्वार्ध में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत अनेक प्रश्नों का समाधान है तथा उत्तरार्ध गीता का उपसंहार है कि गीता से लाभ क्या है। 17वें अध्याय में आहार, तप, यज्ञ, दान तथा श्रद्धा का विभाग सहित स्वरूप बताया गया। उसी संदर्भ में त्याग के प्रकार शेष है। अर्जुन ने स्वयं एक प्रश्न रखा कि अर्जुन उवाच, सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषोदन। अर्जुन बोला, हे महाबाहो, हे हृदय के सर्वस्व, हे केश निषोदन, मैं सन्यास और त्याग के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। पूर्ण त्याग सन्यास है जहां संकल्प और संस्कारों का भी समापन है, और इससे पहले साधना की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर आसक्ति का त्याग ही त्याग है। यहां दो प्रश्न है कि सन्यास के तत्व को जानना चाहता हूं और दूसरा है कि त्याग के तत्व को जानना चाहता हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। अर्जुन, कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं अतः त्याग देने योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार अनेक मत प्रस्तुत करके योगेश्वर अपना भी निश्चित मत देते हैं। निश्चयं श्रेणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तुम मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वो त्याग तीन प्रकार का कहा गया है, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिए क्योंकि यज्ञ, दान और तप तीनों ही पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने चार प्रचलित मतों का उल्लेख किया। पहला, काम्य कर्मों का त्याग। दूसरा, संपूर्ण कर्म फलों का त्याग। तीसरा, दोष युक्त होने के कारण सभी कर्मों का त्याग। और चौथा मत था, यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। उनमें से एक मत से अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि अर्जुन, मेरा भी यह निश्चित किया हुआ मत है कि यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। इससे सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी कई मत प्रचलित थे जिनमें एक यथार्थ था। उस काल में भी कई मत थे, आज भी है। महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कई मत मतांतरों में से कल्याणकारी मत को निकालकर सामने खड़ा कर देता है। प्रत्येक महापुरुष ने यही किया है, श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया बल्कि प्रचलित कई मतों के बीच सत्य को समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। योगेश्वर श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वे त्याग का विश्लेषण करते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। हे अर्जुन, नियत कर्म, श्री कृष्ण के शब्दों में नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। इस नियत शब्द को 8-10 बार योगेश्वर ने कहा। इस पर बार बार बल दिया कि कहीं साधक भटक कर दूसरा न करने लगे। इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं, मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म अर्थात नियत कर्म एक दूसरे के पूरक है, इनका त्याग तामसी है। ऐसा पुरुष अधः गच्छति, कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है क्योंकि उसने भजन की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। अब राजस त्याग के विषय में बताते हैं। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजे सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभे। कर्म को दुखमय समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। जिससे भजन पार न लगे और काय क्लेश भयात, इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा, उस मनुष्य का त्याग राजसी है, उसे त्याग का फल परम शांति नहीं प्राप्त होती। तथा कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन
संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संग दोष और फल को त्याग कर किया जाता है वही सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करें और इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दें। ये नियत कर्म भी क्या करते ही रहेंगे या कभी इसका भी त्याग होगा? इस पर कहते हैं अब अंतिम त्याग का रूप देखें। न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशलम कर्म अर्थात अकल्याणकारी कर्म से, शास्त्र नियत कर्म ही कल्याणकारी है, इसके विरोध में जो कुछ है इसी लोक का बंधन है, इसलिए अकल्याणकारी है, ऐसे कर्मों से द्वेष नहीं करता और अकल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता, जो करना था वो भी शेष नहीं है, ऐसा सत्व से संयुक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है, उसने सब कुछ त्यागा है लेकिन प्राप्ति के साथ वो पूर्ण त्याग ही संन्यास है। हो सकता है और कोई सरल रास्ता हो? इस पर कहते हैं नहीं। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। देहधारी पुरुषों के द्वारा अर्थात केवल शरीर ही नहीं जिसे आप देखते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न सत रजतम तीनों गुण ही इस जीवात्मा को शरीरों में बांधते हैं। जब तक गुण जीवित है तब तक वो जीवधारी है, किसी न किसी रूप में शरीर परिवर्तित होता रहेगा देह के कारण जब तक जीवित है। देहधारी पुरुषों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए जो पुरुष कर्म के फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसा कहा जाता है। अतः जब तक शरीर के कारण जीवित हैं तब तक नियत कर्म करें और उनके फल का त्याग करें, बदले में किसी फल की कामना न करें, वैसे सकामी पुरुषों के कर्मों का फल भी होता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, जन्म जन्मांतरों तक मिलता है, किंतु संन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास अर्थात अंत करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता, यही शुद्ध संन्यास है, संन्यास चरमोत्कृष्ट अवस्था है। भले बुरे कर्मों का फल तथा पूर्ण न्यास काल में उनके अंत का प्रश्न पूरा हो, अब पुरुष के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म होने में क्या कारण है इस पर देखें। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए पांच कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उन्हें तू मुझसे भली प्रकार जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। इस विषय में कर्ता अर्थात ये मन पृथक पृथक करण अर्थात जिनके द्वारा किया जाता है यदि शुभ पार लगता है तो विवेक वैराग्य शम दम त्याग अनवरत चिंतन की प्रवृत्तियां करण होंगी, यदि अशुभ पार लगता है तो काम क्रोध राग द्वेष लिप्सा इत्यादि करण होंगी, इनके द्वारा प्रेरित होंगे नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टाएं अर्थात अनंत इच्छाएं, आधार अर्थात साधन, जिस इच्छा के साथ साधन मिला वही इच्छा पूरी होने लगती है, और पांचवा हेतु है दैव अथवा संस्कार, इसकी पुष्टि करते हैं। शरीर वांग मनो भिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी अथवा शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है उनके ये पांचों ही कारण है, परंतु ऐसा होने पर भी तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है वो दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता अर्थात भगवान नहीं करते। इस प्रश्न पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार बल दिया, अध्याय पांच में उन्होंने कहा था कि वो प्रभु न करता है न कराता है न क्रिया के संयोग को जोड़ता है, तो लोग कहते क्यों है? मोह से लोगों की बुद्धि आवृत है इसलिए जो कुछ भी कह सकते हैं। यहां भी कहते हैं कर्म होने में पांच कारण है, उसके बावजूद भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता देखता है वो मूल बुद्धि अर्थात दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता अर्थात भगवान नहीं करते, जबकि अर्जुन के लिए विताल ठोककर खड़े हो जाते हैं निमित्त मात्रम भव कि कर्ता धरता तो मैं हूं, तू निमित्त बनकर खड़ा भर रहे। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है, जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है भगवान नहीं करते, बहुत समीप रहकर भी दृष्टा रूप में ही रहते हैं, अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वे हृदय देश से संचालक बन जाते हैं, साधक प्रकृति की आकर्षण सीमा से निकलकर उनके क्षेत्र में आ जाता है, ऐसे अनुरागी के लिए वे ताल ठोककर सदैव खड़े रहते हैं, केवल उसी के लिए भगवान करते हैं। अतः चिंतन करें, प्रश्न पूरा हुआ, आगे देखें। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती
वो पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न बंधता है। लोक संबंधी संस्कारों का विलय ही लोक संहार है। अब उस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती है इस पर देखें। ज्ञानम ज्ञेयम् परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। अर्जुन, परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से ज्ञानम उसको जानने की विधि से और ज्ञेय जानने योग्य वस्तु, श्री कृष्ण ने पीछे कहा मैं ही ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ हूं, से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ज्ञेय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। और कर्ता अर्थात मन की लगन, करण अर्थात विवेक वैराग्य शम दम इत्यादि तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया था कि प्राप्ति के पश्चात उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और न छोड़ने से हानि ही होती है, फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वो कर्म में बरतता है। कर्ता करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। ज्ञान कर्म और कर्ता के भी तीन तीन भेद हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यानि यथावत् श्रेणुतान्यपि। ज्ञान कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उन्हें भी तू यथावत सुन। प्रस्तुत है पहले ज्ञान का भेद। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसके साथ ही गुणों का अंत होना है, ये ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। अब राजस ज्ञान देखें। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विद्धि राजसम्। जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है कि ये अच्छा है ये बुरे है, उस ज्ञान को तू राजस जान। ऐसी स्थिति है तो राजसी स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। अब देखें तामस ज्ञान। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्तम हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदारितम्। जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, युक्ति रहित अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला और तुच्छ है, वो ज्ञान तामस कहा जाता है। अब प्रस्तुत है कर्म के तीन भेद। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित है, अन्य नहीं, संग दोष और फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वो कर्म सात्विक कहा जाता है। नियत कर्म अर्थात आराधना चिंतन है जो परम में प्रवेश दिलाता है। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज समुदारितम्। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा जाता है। ये पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना ही है कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म राजस है। अब देखें तामस। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। जो कर्म अंततः नष्ट होने वाला है, हिंसा सामर्थ्य को न विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वो कर्म तामस का है। स्पष्ट है कि ये कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं है, उसके स्थान पर भ्रांति है। अब देखें कर्ता के लक्षण। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग दोष से रहित होकर अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त होकर कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक इत्यादि विकारों से सर्वथा रहित होकर कर्म में अर्थात अहिर्निश प्रवृत्त है, वो कर्ता सात्विक कहा जाता है। यही उत्तम साधक के लक्षण है। कर्म वही है नियत कर्म। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। आसक्ति युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला, लोलुप आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपवित्र और हर्ष शोक से जो लिप्त है, वो कर्ता राजस कहा गया है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च
कर्ता तामस उच्यते। जो चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, धूर्त, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है कि फिर कर लेंगे, वो कर्ता तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री कर्म को कल पर टालने वाला है, यद्यपि करने की इच्छा उसे भी रहती है। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नवीन प्रश्न उठाया, बुद्धि, धारणा और सुख के लक्षण। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रेणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय, बुद्धि और धारणा शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च यावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है वो बुद्धि सात्विकी है, अर्थात परमात्म पथ, आवागमन पथ दोनों की भली प्रकार जानकारी सात्विक बुद्धि है। यथा यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। पार्थ, जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथावत नहीं जानता, अधूरा जानता है, वो बुद्धि राजसी है। अब तामसी बुद्धि का स्वरूप देखें। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। पार्थ, तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा संपूर्ण हितों को विपरीत ही देखती है वो बुद्धि तामसी है। यहां श्लोक 30 से 32 तक बुद्धि के तीन भेद बताए गए। पहली बुद्धि तो किस कार्य से निवृत्त होना है और किसमें प्रवृत्त होना है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है, इसकी भली प्रकार जानकारी रखती है, वो बुद्धि सात्विक है। जो कर्तव्य अकर्तव्य को धूमिल ढंग से जानती है, यथार्थ नहीं जानती, वो राजसी बुद्धि है। और अधर्म को धर्म, नश्वर को शाश्वत तथा हित को अहित, इस प्रकार विपरीत जानकारी वाली बुद्धि तामसी है। इस प्रकार बुद्धि के भेद समाप्त हुए। अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न, धृति, धारणा के तीन भेद। धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। योगेन, यौगिक प्रक्रिया के द्वारा अव्यभिचारिणी, योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्फुरण का आना व्यभिचार है, चित्त का बहक जाना व्यभिचार है। अतः ऐसी अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को जो धारण करता है वो धारणा सात्विकी है, अर्थात मन, प्राण और इंद्रियों को इष्ट की दिशा में मोड़ना ही सात्विक धारणा है। तथा यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, अर्थात मोक्ष को नहीं, वो धारणा राजसी है। इस धारणा में भी लक्ष्य वही है, केवल कामना करता है, जो कुछ करता है उसके बदले में चाहता है। अब तामसी धारणा के लक्षण देखें। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और अभिमान को भी, अर्थात नहीं छोड़ता इन सबको, धारण किए रहता है, वो धारणा तामसी है। ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है सुख। सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अर्जुन, अब सुख भी तीन प्रकार का मुझसे सुन। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, अर्थात चित्त को समेट कर इष्ट में रमण करता है, और जो दुखों का अंत करने वाला है, तथा यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम्। उपर्युक्त सुख साधन के आरंभ काल में ही यद्यपि विष के सदृश लगता है। प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अतः आरंभ में विष जैसा भासता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है, अमृत तत्व को दिलाने वाला है। अतः आत्मविषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख सात्विक कहा गया है। तथा विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वो यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है, किंतु परिणाम में विष के सदृश है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है, वो सुख राजस कहा गया है। तथा यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः
निद्रालस्य प्रमादूर्थम् तत्तामसमुदारितम्। जो सुख भोगताल और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, निद्रा या निशा सर्वभूतानाम जगत की निशा में अचेत रखने वाला है, आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न वो सुख तामस कहा गया है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण गुणों की पहुंच बताते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिचैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग यावन मात्र जगत क्षणभंगुर मरने जीने वाला है, तीनों गुणों के अंतर्गत है, अर्थात देवता भी तीनों गुणों का विकार है, नश्वर है। यहां वाय देवताओं को योगेश्वर ने चौथी बार लिया। अध्याय 7, 9, 17 तथा यहां 18वें अध्याय में इन सबका एक ही अर्थ है कि देवता तीनों गुणों के अंतर्गत है, जो इन्हें भजता है नश्वर की पूजा करता है। भागवत में भी श्री ऋषभदेव जी के 9 योगेश्वर पुत्रों का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती की, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों की, विजय के लिए इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। इसी तरह विविध कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। तुलसी मूलहि सींचिए, फूलहि फलहि अधाई। अस्तु, सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण करें, जिसकी पूर्ति के लिए सद्गुरु की शरण, निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। आसुरी और दैवी संपद अंतःकरण की 2 वृत्तियां हैं, जिसमें दैवी संपद परम देव परमात्मा का दिग्दर्शन कराती है, इसलिए दैवी कही जाती है, किंतु ये भी तीनों गुणों के ही अंतर्गत है। गुण शांत होने के पश्चात इनकी भी शांति हो जाती है, तत्पश्चात उस आत्मतृप्त योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब प्रस्तुत है पीछे से आरंभ हुआ प्रश्न, वर्ण व्यवस्था। वर्ण जन्म प्रधान है अथवा कर्मों से पाई जाने वाली अंतःकरण की योग्यता का नाम है। इस पर देखें। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव में सात्विक गुण होगा तो आप में निर्मलता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसी गुण होगा तो आलस्य निद्रा प्रमाद रहेगा। उसी स्तर से आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत है वही आपका वर्ण है, स्वरूप है। इस प्रश्न को योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहां चौथी बार लिया है। अध्याय 2 में इन 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से श्रेयतर कोई मार्ग नहीं है। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारक है, दूसरों की नकल करना भयावह है। अध्याय 4 में बताया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के योग्यता से कर्म को 4 सोपानों में बांटा। यहां गुण एक पैमाना है, उसके द्वारा माप कर कर्म करने की क्षमता को 4 भागों में बांटा। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष के प्राप्ति की क्रिया है, ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना है, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा से है, चिंतन की विधि विशेष है, जिसे पीछे बताए हैं। इस यज्ञार्थ कर्म को ही 4 भागों में बांटा। अब कैसे समझें कि हम में कौन से गुण हैं और किस श्रेणी के हैं, इस पर यहां कहते हैं। शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, मन इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता, ये सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म है। अर्थात जब स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाए, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वो ब्राह्मण श्रेणी का कर्ता है। तथा शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता अर्थात कर्मसु कौशलम, कर्म करने में दक्षता, प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, सब भावों पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वभावजम स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है। स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती है तो वो कर्ता क्षत्रिय है। अब प्रस्तुत है वैश्य तथा शूद्र का स्वरूप। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन्य कर्म है। गोपालन ही क्यों, भैंस को मार डालें, बकरी न रखें, ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक वाढ़म्बय में गो शब्द अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गोरक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक, वैराग्य, शम, दम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, ये अपना निज धन है, जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देती है। प्रकृति के द्वंद्वों में से उनका शनै शनै संग्रह करना व्यवसाय है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसे अर्जित करना वाणिज्य है।
खेती? शरीर ही एक क्षेत्र है, इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है, उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। अपने से उन्नत अवस्था वाले, प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभाव जन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं, अपितु अल्पज्ञ है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेशिका श्रेणी का वो साधक परिचर्या से ही आरंभ करे। स्वभाव परिवर्तनशील है, स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः ये वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट चार अवस्थाएं हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची चार सीढ़ियां हैं, क्योंकि कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे। इसको देखें। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धिं भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले भी कह आए हैं, इस कर्म को करके तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सा कर्म करके? अर्जुन, तू शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म यज्ञार्थ कर्म कर। अब स्वकर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त होता है वो विधि तू मुझसे सुन, ध्यान दे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को स्वकर्मणा अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म के द्वारा अर्चन कर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः परमात्मा की भावना और परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन और क्रमशः चलना आवश्यक है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। अतः इस कर्म पथ पर सोपान शाह चलने का विधान है, जैसे अध्याय 18 के छठे श्लोक में। इसी पर पुनः बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों ना हो, वहीं से आरंभ करें। वो विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी स्वधर्म परम कल्याणकारक है। स्वभाव नियतम, स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होता। प्रायः साधकों को उच्चाटन होने लगता है कि हम सेवा करते ही रहेंगे, वे तो ध्यानस्थ हैं, अच्छे गुणों के कारण उनका सम्मान है, तुरंत वे नकल करने लगते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ मिलेगा नहीं, अपने स्वभाव से कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, छोड़कर नहीं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। कौन्तेय दोषयुक्त, अल्पज्ञ अवस्था वाला है तो सिद्ध है कि अभी दोषों का बाहुल्य है, ऐसा दोषयुक्त भी सहजम कर्म, स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। ब्राह्मण श्रेणी ही सही, कर्म तो करना पड़ रहा है, स्थिति नहीं मिली तब तक दोष विद्यमान है, प्रकृति का आवरण विद्यमान है। दोषों का अंत वहां होगा जहां ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के साथ विलय हो जाता है। उस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है जहां कर्मों से प्रयोजन नहीं रह जाता? असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्प्रिया से सर्वथा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सन्यासी नाम सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म्य की सिद्धि को प्राप्त होता है। यहां सन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि पर्याय है। यहां सांख्य योगी वहीं पहुंचता है जहां की निष्काम कर्म योगी, ये उपलब्धि दोनों मार्गों के लिए समान है। अब परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसका संक्षेप में चित्र करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कौन्तेय, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म को जैसे प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे संक्षेप में जान। अगले श्लोक में वही विधि बता रहे हैं, ध्यान दे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त
अर्थात इसी सबको धारण करने वाला तथा अंतःकरण को वश में करके शब्दाधिक विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार बल घमंड काम क्रोध बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित शांत अंतःकरण हुआ पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। आगे देखें। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वो प्रसन्नचित पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में समभाव हुआ वो भक्ति की पराकाष्ठा पर है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है जहां ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। अब भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वो तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूं, अजर अमर शाश्वत जिन अलौकिक गुणधर्मों वाला हूं, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझमें प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वो अपने ही आत्मस्वरूप को उन ईश्वरीय गुणधर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और सनातन है। अहंकार बल दर्प काम क्रोध मदमोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक वैराग्य शमदम एकांत सेवन ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूर्णतया परिपक्व हो जाती है, उस समय वो ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वो तत्व को जानता है। तत्व है क्या? मुझे जानता है। भगवान जो है जिन विभूतियों से युक्त है उसे जानता है और मुझे जानकर तत्क्षण मुझमें ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म तत्व ईश्वर परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय है। एक की जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि परम गति परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म अर्थात चिंतन अनिवार्य है। अब तक तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और अब समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्मयोगी के लिए भी कहते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर करता हुआ मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया। पूर्ण योगेश्वर सदगुरु के आश्रित साधक उनकी कृपा प्रसाद से शीघ्र पा जाता है। अतः उसे पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अतः अर्जुन संपूर्ण कर्मों को अर्थात जितना कुछ तुझसे बन पड़ता है मन से मुझे अर्पित करके अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझे समर्पण करके मेरे परायण हुआ बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझमें चित्त को लगा। योग एक ही है जो सर्वथा दुखों का अंत करने वाला और परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला है। उसकी क्रिया भी एक ही है यज्ञ की प्रक्रिया जो मन तथा इंद्रियों के संयम श्वास प्रश्वास तथा ध्यान इत्यादि पर निर्भर है जिसका परिणाम भी एक ही है यान्ति ब्रह्म सनातनम। इसी पर आगे कहते हैं मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्वमहंकारात् न श्रोष्यसि विनंश्यसि। इस प्रकार मुझमें निरंतर चित्त को लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुर्गों को अनायास ही कर जाएगा। इंद्रिन द्वार झरुखा नाना तह तह सुर बैठे करिथाना आवत देखा ही विषय वयारी ते हटि देह कपाट उघारी। ये ही दुर्जय दुर्ग है मेरी कृपा से तू इन बाधाओं का अतिक्रमण कर जाएगा किंतु अहंकारवश यदि तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा परमार्थ से च्युत हो जाएगा। पुनः इसी पर बल देते हैं। यदहंकारमाश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्षति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे बलात् युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहा करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कौन्ते मोहवश तू जिस कर्म को नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। प्रकृति के संघर्ष से न भागने का तुम्हारा क्षत्रिय श्रेणी का स्वभाव तुम्हें बरबस कर्म में लगाएगा। प्रश्न पूरा हुआ। अब वो ईश्वर रहता कहाँ है? इस पर कहते हैं ईश्वर सर्वभूता हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया।
अर्जुन, वो ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ये यंत्र बड़ा बाधक है जो बार बार नश्वर कलेवरों अर्थात शरीरों में घुमाता रहता है। तो शरण किसकी ले? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की जो हृदय देश में स्थित है अनन्य शरण को प्राप्त हो। उनके कृपा प्रसाद से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। अतः ध्यान करना है तो हृदय देश में करें। ईश्वर का निवास स्थान हृदय है। भागवत के चतुर्श्लोकी गीता का सारांश भी यही है कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूं किंतु प्राप्त होता हूं तो हृदय देश में ध्यान करने से ही। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरम् मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। सत्य यही है, शोध की स्थली यही है, प्राप्ति की स्थली भी यही है, किंतु हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता। इस पर उपाय बताते हैं। सर्व गुह्यतमं भूय श्रीणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। कहा है किंतु फिर सुन, साधक के लिए इष्ट सदैव खड़े रहते हैं। क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है इसलिए ये परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए फिर भी कहूंगा। वो है क्या? मन्मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अर्जुन, तू मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे समर्पण में अशुपात होने लगे, मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, ये मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। पीछे बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा। यहां कहते हैं मेरी शरण आ। ये अति गोपनीय रहस्य युक्त वचन सुन कि मेरी शरण आओ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? यही कि साधक के लिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर थे। अब समर्पण की विधि बताते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूं या शूद्र श्रेणी का, क्षत्रिय हूं अथवा वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा, तू शोक मत कर। इन सब ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णों का विचार न कर कि इस कर्म पथ में किस स्तर का हूं। जो अनन्य भाव से शरण हो जाता है सिवाय इष्ट के अन्य किसी को नहीं देखता, उसके क्रमशः वर्ण परिवर्तन उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्ति अर्थात मोक्ष की जिम्मेदारी वो इष्ट सदगुरु स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा। शास्त्र जब लिखने में आ जाता है तो लगता है कि यह सबके लिए है, किंतु है वस्तुतः श्रद्धावान के लिए। अर्जुन अधिकारी था, अतः उसे बल देकर कहा। अब योगेश्वर स्वयं निर्णय देते हैं कि इसके अधिकारी कौन है। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाचम न च माम योभ्यसूयति। अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता के उपदेश को किसी काल में भूल कर भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए, और जो मेरी निंदा करता है ये दोष है वो दोष है इस प्रकार झूठी आलोचना करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। महापुरुष ही तो थे जिनके समक्ष स्तुतिकर्ताओं के साथ साथ कतिपय निंदक भी रहे होंगे, इनसे तो नहीं कहना चाहिए। किंतु प्रश्न स्वाभाविक है कि कहा किससे जाए। इस पर देखें। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः। जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात वो भक्त मुझे ही प्राप्त होगा जो सुन लेगा, क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा तो उस पर चलेगा तथा पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए कहते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। किससे? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा उनको उधर उस पथ पर चलाएगा, क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है, राजमार्ग है। अब देखें अध्ययन। अध्येशते च यत् इमं धर्म्यं संवादमावयो
ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद को अध्येष्यति भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है, जिसका स्वरूप पीछे बताया गया है, जिसका तात्पर्य है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी, ऐसा मेरा निश्चित मत है। श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, वो भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। अर्थात करते हुए भी पार न लगे तो सुना भर करें, उत्तम लोग तब भी हैं क्योंकि वो चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण तो करता है। यहां 67 से 71 तक 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि गीता का उपदेश अनाधिकारियों को नहीं कहना चाहिए, किंतु जो श्रद्धावान है उनसे अवश्य कहना चाहिए। जो सुनेगा वो भक्त मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो भक्तों में कहेगा उससे अधिक प्रिय कहने वाला मेरा कोई नहीं है। जो अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। यज्ञ का परिणाम ही ज्ञान है। जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है किंतु श्रद्धा से मात्र सुनेगा, वो भी पुण्य लोगों को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसके कहने सुनने तथा अध्ययन का फल बताया। प्रश्न पूरा हुआ। अब अंत में वे अर्जुन से पूछते हैं कि कुछ समझ में आया। कच्चिदे तच्छ्रितं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या मेरा ये वचन तूने एकाग्रचित होकर सुना? क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस पर अर्जुन बोला, अर्जुना उवाच। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। सत्य से कभी चित नहीं होते, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मुझे याद है, अब मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन का समाधान हो गया, साथ ही योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत वाणी का उपसंहार। इस पर संजय बोला, 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन करा लेने पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखने को जैसा तूने देखा है तत्व से जानने तथा प्रवेश करने को सुलभ हूं। अध्याय 11 के 54वें श्लोक में इस प्रकार दर्शन करने वाले साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और यहां भी अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं, आप जो कहते हैं वही करूंगा। दर्शन के साथ तो अर्जुन को मुक्त हो जाना चाहिए था, वस्तुतः अर्जुन को तो जो होना था हो गया, किंतु शास्त्र भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, उसका उपयोग आप सबके लिए है। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन, अर्थात अर्जुन एक महात्मा है, योगी है, साधक है, न कि कोई धनुर्धर जो मारने के लिए खड़ा हो, अतः महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुना। आप में सुनने की क्षमता कैसे आई? आगे कहते हैं। व्यास प्रसादाच्छ्रितवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से, उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। संजय श्री कृष्ण को योगेश्वर मानता है। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता रखता हो वो योगेश्वर है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् विश्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन धृतराष्ट्र, केशव और अर्जुन के इस परम कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूं, अतः इस संवाद को सदैव स्मरण करना चाहिए और इसी स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। अब उनके स्वरूप का स्मरण कर संजय कहते हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतम् हरि विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, हरि के अर्थात जो शुभाशुभ सर्व का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूं। इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की वस्तु है।
अंत में संजय निर्णय देते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन अर्थात ध्यान ही धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीर है, अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन है, वहीं पर श्री ऐश्वर्य विजय जिसके पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। आज तो धनुर्धर अर्जुन है नहीं, ये नीति विजय विभूति तो अर्जुन तक सीमित रह गई, तत्सामयिक ठीक है, यह तो द्वापर में ही समाप्त हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं, आपके हृदय में भी वे हैं, अनुराग ही अर्जुन है, अनुराग आपके अंतःकरण की इष्टोन्मुख लगन का नाम है, यदि ऐसा अनुराग आप में है तो सदैव वास्तविक विजय है और अचल स्थिति दिलाने वाली नीति भी सदैव रहेगी, न कि कभी थी। जब तक प्राणी रहेंगे परमात्मा का निवास उनके हृदय देश में रहेगा, विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उनमें से जिसके भी हृदय में उसे पाने का अनुराग उमड़ेगा वही अर्जुन की श्रेणी वाला होगा, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है, अतः मानव मात्र इसका प्रत्याशी बन सकता है। निष्कर्ष। यह गीता का समापन अध्याय है। आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न है, प्रभु मैं त्याग और संन्यास के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित चार मतों की चर्चा की, इनमें एक सही भी था। इससे मिलता जुलता ही निर्णय योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ दान और तप किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है, ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है, यह सात्विक त्याग है। फल की इच्छा के साथ त्याग राजस है, मोहवश नियत कर्म का ही त्याग करना तामस त्याग है, और संन्यास त्याग की ही चरमोत्कृष्ट अवस्था है। नियत कर्म और ध्यान जनित सुख सात्विक है, इंद्रियों और विषयों का भोग राजस है, और तृप्तिदायक अन्न की उत्पत्ति से रहित दुखद सुख तामस है। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में पांच कारण है, कर्ता अर्थात मन, पृथक पृथक करण अर्थात जिनके द्वारा किया जाता है, शुभ पार लगता है तो विवेक वैराग्य शम दम करण है, अशुभ पार लगता है तो काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि करण होंगे। नाना प्रकार की इच्छाएं अर्थात इच्छाएं अनंत हैं, सब पूर्ण नहीं हो सकती, केवल वह इच्छा पूर्ण होती है जिसके साथ आधार मिल जाता है। चौथा कारण है आधार अर्थात साधन, और पांचवा हेतु है दैव अर्थात प्रारब्ध या संस्कार। प्रत्येक कार्य के होने में यही पांच कारण है, फिर भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता मानता है वह मूल बुद्धि यथार्थ नहीं जानता, अर्थात भगवान नहीं करते, जबकि पीछे कह आए हैं कि अर्जुन तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहे, कर्ता धरता तो मैं हूं। अंततः उन महापुरुष का आशय क्या है? वस्तुतः प्रकृति और पुरुष के बीच एक आकर्षण सीमा है, जब तक मनुष्य प्रकृति में बरतता है तब तक माया प्रेरणा करती है, और जब वह इससे ऊपर उठकर इष्ट को समर्पित हो जाता है, और वह इष्ट जब हृदय देश से रथी हो जाता है फिर भगवान करते। ऐसे स्तर पर अर्जुन था, संजय भी था, और सबके लिए इस अर्थात कक्षा में पहुंचने का विधान है, अतः यहां भगवान प्रेरणा करते हैं। पूर्ण ज्ञाता महापुरुष, जानने की विधि और ज्ञेय परमात्मा, इन तीनों के संयोग से कर्म की प्रेरणा मिलती है, इसलिए किसी अनुभवी महापुरुष अर्थात सद्गुरु के सानिध्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के प्रश्न को चौथी बार लेते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों का दमन, मन का शमन, एकाग्रता, शरीर वाणी और मन को इष्ट के अनुरूप तपाना, ईश्वरीय जानकारी का संचार, ईश्वरीय निर्देशन पर चलने की क्षमता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ब्राह्मण श्रेणी के कर्म है। शौर्य, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता क्षत्रिय श्रेणी का कर्म है। इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन इत्यादि वैश्य श्रेणी के कर्म है, और परिचर्या शूद्र श्रेणी का कर्म है। शूद्र का अर्थ है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ साधक जो नियत कर्म चिंतन में दो घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, शरीर अवश्य बैठा है लेकिन जिस मन को टिकना चाहिए वह तो हवा से बातें कर रहा है, ऐसे साधक का कल्याण कैसे हो? उसे अपने से उन्नत अवस्था वालों की अथवा सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए, शनै शनै उसमें भी संस्कारों का सृजन होगा, वह गति पकड़ लेगा। अतः इस अल्पज्ञ का कर्म सेवा से ही प्रारंभ होगा। कर्म एक ही है, नियत कर्म चिंतन। उसके कर्ता की चार श्रेणियां अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। मनुष्य को नहीं बल्कि गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बांटा गया, गीतोक्त वर्ण इतने में ही है। तत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन उस परम सिद्धि की विधि बताऊंगा जो ज्ञान की परानिष्ठा है, विवेक वैराग्य शम दम धारावाही चिंतन और ध्यान की प्रवृत्ति इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं जब परिपक्व हो जाती हैं और काम क्रोध मोह राग द्वेषादि प्रकृति में घसीट कर रखने वाली प्रवृत्तियां जब पूर्णतः शांत हो जाती हैं उस समय वह व्यक्ति ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उसी योग्यता का नाम पराभक्ति है। पराभक्ति के द्वारा ही वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या तो बताया, मैं जो हूं जिन विभूतियों से युक्त हूं उसको जानता है, अर्थात परमात्मा जो है अव्यक्त शाश्वत अपरिवर्तनशील जिन अलौकिक गुणधर्मों वाला है उसे जानता है, और जानकर वह तत्क्षण मुझमें स्थित हो जाता है। अतः तत्व है परम तत्व, न कि 5 या 25 तत्व। प्राप्ति के साथ आत्मा उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है, उन्हीं गुणधर्मों से युक्त हो जाता है। ईश्वर का निवास बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन वह ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में निवास करता है, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटक रहे हैं इसलिए नहीं जानते।
अतः अर्जुन तू हृदय में स्थित उस ईश्वर की शरण जा। इससे भी गोपनीय एक रहस्य और है कि संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर तू मेरी शरण में आ, तू मुझे प्राप्त होगा। यह रहस्य अनाधिकारी से नहीं कहना चाहिए, जो भक्त नहीं है उससे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भक्त है उससे अवश्य कहना चाहिए। उससे दुराव रखें तो उसका कल्याण कैसे होगा? अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन मैंने जो कुछ कहा उसे तूने भली प्रकार सुना समझा, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अर्जुन ने कहा, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं, आप जो कुछ कहते हैं वही सत्य है और अब मैं वही करूंगा। संजय जिसने इन दोनों के संवाद को भली प्रकार सुना है अपना निर्णय देता है कि श्री कृष्ण महायोगेश्वर और अर्जुन एक महात्मा है। उनका संवाद बारंबार स्मरण कर वह हर्षित हो रहा है, अतः इसका स्मरण करते रहना चाहिए। उन हरि के रूप को याद करके भी वह बारंबार हर्षित होता है, अतः बारंबार स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां महात्मा अर्जुन है वहीं श्री है, विजय विभूति और ध्रुव नीति भी वहीं है। सृष्टि की नीतियां आज हैं तो कल बदलेंगी, ध्रुव तो एकमात्र परमात्मा है, उसमें प्रवेश दिलाने वाली नीति ध्रुव नीति भी वही है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन को द्वापरकालीन व्यक्ति विशेष मान लिया जाए तब तो आज न अर्जुन है और न श्री कृष्ण, आपको न विजय मिलनी चाहिए और न विभूति, तब तो गीता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण एक योगी थे, अनुराग से पूरित हृदय वाला महात्मा ही अर्जुन है, ये सदैव रहते हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं हूं तो अव्यक्त, लेकिन जिस भाव को प्राप्त हूं वह ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है, वह सदैव है और रहेगा, सबको उसकी शरण जाना है। शरण जाने वाला ही महात्मा है, अनुरागी है और अनुराग ही अर्जुन है। इसके लिए किसी स्थित प्रज्ञ महापुरुष की शरण जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही इसके प्रेरक है। इस अध्याय में संन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वस्व का न्यास ही संन्यास है। केवल बाना धारण कर लेना संन्यास नहीं है, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अथवा समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही संन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय है, यही संन्यास की पराकाष्ठा है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अर्गणानंद कृत श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 18वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम।